आज वो सिस्टर आई है यही गांव की, रोबेन की मम्मा नहीं, नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, उनकी आपको अगर वो आते तो मैं उनको खड़े करता, पर कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, उनकी बहुत बड़ी गवाही है। कुछ लोग तो आप इनसे जानते हैं ना। तो उस सिस्टर की शादी को 10 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं था। क्या नहीं था? क्या नहीं था? अपनी में भी सिस्टर का उन्होंने एक बेटा लिया था, तो वो बेटा था, पर मन देखो उनका कितना अच्छा था। 10 साल बाद परमेश्वर ने इसी चर्च में, पहले किसी और चर्च में जाते थे पर आत्मा की बातें नहीं जानते थे कैसे परमेश्वर काम करता है। तो मैंने समझाया जो इस मिनिस्ट्री के परमेश्वर के अनुग्रह की पॉजिटिव शिक्षा और पॉजिटिव प्रेयर का बड़ा परिणाम लोगों के जीवन में प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। तो मैंने ऐसे कुछ चीजें समझाई, तो बस विश्वास करो और धन्यवाद। 10 साल बाद खुदा ने बेटा दिया, पर उनकी उनकी उसकी खुद की सिस्टर का बेटा था, तो उन्होंने अच्छा मन था, उन्होंने चाहा कि उन्होंने परमेश्वर से बेटा नहीं कहा, हमें बेटी चाहिए, बस एक ही बेटी, क्या चाहिए हमें, और परमेश्वर ने दी बेटी। और उन्होंने, अब खुदा ने 10 साल बाद आशीष दी, क्या दी? आशीष दी। अब उस बेटी का नाम रखना था, क्या रखना था? उस बेटी का नाम रखना था। अब वो कहते हैं कि उसका नाम रखना है, तो वो पूछ रहे थे कि मुझे बताओ इसका क्या नाम रखें। तब वो हॉस्पिटल में थे, तो एक दो दिन ऐसे रह गए, उन्होंने सर्टिफिकेट बनाते हैं ना बच्चों का, तो मैं भी ऐसे 2-3 दिन निकल गए, और मैं थोड़ा मैं बिजी था, मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, और मैंने एकदम से ऐसे कहा इसका नाम रूबेन रखो, क्या रखो? रूबेन। और मैंने अपने, मुझे लगा मैंने ऐसे रूबेन बता दिया, पर देखो पवित्र आत्मा होली स्पिरिट सच में वो महान है। आमीन। अगर मैं आपको बाइबल, चलो मैं इसका प्रूफ देता हूं आपको, प्रूफ, उत्पत्ति में जाओ, उत्पत्ति, उत्पत्ति 29:31 लिखा, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई है, तब उसने उसकी कोख खोली और रहेल बाज रही और लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि उसने मेरे दुख पर दृष्टि की। आमीन, हालेलुया। क्या की है? सुनो, क्योंकि जकूब की, क्योंकि जकूब ने कितने साल रहेल के लिए क्या की? मजदूरी की। हाँ, लबान की क्या की? मगर उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे समाज में ये ऐसे रीति नहीं है कि छोटी से पहले बड़ी, पहले तू क्या है, रहेल से पहले उन्होंने धोखे से उसकी शादी लिया से करवा दी, वो थोड़ी उसकी आंखें ऐसे धुंधली थी, पर लिखा उसी के कारण वो अप्रिय जानी गई, क्योंकि जकूब ने उसे ऐसे चाहा नहीं, पर परमेश्वर ने क्या किया, उस पर ऐसे दृष्टि की और उसके दुख को उसने देखा, तो लिखा रहेल बाज रही, क्या रही? पर लिया गर्भवती हुई और उसने उस बेटे का नाम क्या रखा? रूबेन। रूबेन का मतलब मेरे दुख पर परमेश्वर ने दृष्टि की। अब मुझे नहीं पता कि ये नाम क्या है। अब मैं एक दिन ऐसे वचन पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा, क्योंकि मैंने मैंने बस ऐसे रख दिया, रूबेन रखो, बेटी का नाम रखो, क्योंकि सच में 10 साल बाद अगर परमेश्वर ने बच्चा दिया तो पता चलता है कि परमेश्वर ने दुख पर क्या किया, दृष्टि की। आमीन, समझ आ रहे? तो मुझे, मैंने ऐसे बाइबल में ये पढ़ा नहीं अभी, पर एक दिन मैं ऐसे बाइबल पढ़ रहा था और मैंने देखा रूबेन, मैंने तो उनकी बेटी का नाम रखा था, क्या रखा था? क्योंकि ये सच में पवित्र आत्मा, जैसे यीशु मसीह ने कहा था ना, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, क्या करेगा? वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें, वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। बोलो क्या है? वो दुनिया की सारी भाषाओं को जानता है,
वो सारे ज्ञान को, भेदों को जानता है, जानता है कि नहीं जानता? कितनों का समझ आ रही है? वो सब कुछ जानता है, बोलो कहीं, वो सब कुछ जानता है, उसे पता है। इसी लिखा निकोदेमस को क्यों कहा, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। समझ रहे हो? क्योंकि हमारे दो जन्म है, एक तो हम माता पिता से जन्मे हैं पाप से, जिसमें दुख है, प्रॉब्लम है, हालात है, और दूसरा जन्म पवित्र आत्मा से, जब हम किसके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, हाँ, पापों से मुक्ति, छुटकारा और पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, जो हमारी अगुवाई करता है। क्या करता है वो? हमारी अगुवाई करता है, वो हमारा मददगार है, वह सहायक है, जो हमें सब कुछ बताता है। अब मुझे पवित्र आत्मा ने एकदम से, क्योंकि आत्मा मेरे अंदर है, तो उसने बाइबल की लिखी बात जो मैं जानता नहीं था, यीशु ने क्यों कहा मेरी वो सब बातें को लेकर, क्योंकि वो आत्मा सब संसार की भेद की बातों को, ज्ञान की बातों को वो जानता है। बोलो क्या है? वो सब कुछ जानता है। आमेन, हालेलुया। तो रूबेन, मेरे दुख पर दृष्टि की है, आज परमेश्वर ने आपके भी दुख पर दृष्टि की है। आमेन।